हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जैसलमेर में थाने के बाहर बुजुर्ग ने लगाई खुद को आग। जैसलमेर शहर के हनुमान चौराहा स्थित सबसे पुराने थाने के आगे बुधवार को देवा गांव के रहने वाले गोर्धन राम माली ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आत्महत्या का प्रयास किया। आग लगाने के बाद सड़क पर दौड़ते बुजुर्ग को देखकर सभी लोग चौंक गए। पुलिस ने बुजुर्ग को हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ से उसे जोधपुर रेफर किया गया। COCT पुलिस प्रियंका कुमावत ने बताया कि देवा के रहने वाले गोवर्धन राम पुत्र माना राम ने कोतवाली के सामने खुद को आग लगा ली। गोवर्धन राम बुधवार को 11 बजे के करीब शहर कोतवाली थाने आया था। थाने के बाहर आकर खुद पर ज्वलनशील पदार्थ उड़ेल कर आग लगा ली। उसके बाद सड़क से पूनम सिंह स्टेडियम की तरफ भागा। उस दौरान थाने से पुलिसकर्मी बाहर आए और अपनी गाड़ी में डालकर जवाहर हॉस्पिटल लेकर गए। प्राथमिक इलाज के बाद उसे जयपुर रेफर किया गया। गोवर्धन राम के बेटे भरत ने बताया कि उसके पिता के खिलाफ एक महिला और उसकी बेटी ने छेड़छाड़ का झूठा मामला दर्ज करवाया था। पिता को बार बार धमकियां मिल रही थी। पिता सुबह देवा से जैसलमेर कोतवाली आए थे। जागरूक टीवी के लिए जैसलमेर से खास रिपोर्ट।